स्वागत है आपका। मैं राहुल कुमार वरेण्यम एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे एमएस वर्ड का ऑफिस बटन के बारे में। एमएस ऑफिस में ऑफिस बटन के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि फाइल, नया फाइल कैसे बनाते हैं, जो पहले से फाइल बनी हुई है उसे ओपन कैसे करेंगे, जो अभी हम करेंट में फाइल बना रहे हैं, जिस भी फाइल पे आप काम कर रहे हैं उसे सेव कैसे करते हैं, अगर कोई फाइल पहले से सेव की हुई है उसमें कुछ एडिट करके हम उसे सेव कैसे करेंगे, प्रिंट करने और प्रिंट प्रीव्यू के बारे में हम बात करेंगे, प्रिपेयर से जाके हम कंप्यूटर के एमएस वर्ड का फाइल को लॉक कैसे करेंगे और उस फाइल को क्लोज करने के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसको वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगले। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग एमएस वर्ड की फाइल को ओपन कैसे करेंगे। तो ओपन करने का बहुत ही ईजी तरीका है कि आप विंडो आर प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, इसमें जाकर रन में जाकर आप टाइप कीजिए विनवर्ड। विनवर्ड टाइप करने के बाद आप इंटर बटन प्रेस कीजिए। जब आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो एमएस वर्ड आपका ओपन हो गया। एमएस वर्ड ओपन होता है तो सबसे ऊपर में इसका कुछ अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जिसके सबसे ऊपर में जो होता है उसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में तीन बटन भी होता है, एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। क्लोज बटन पे अगर हम अभी क्लिक करेंगे तो ये फाइल बंद हो जाएगा। मिनिमाइज पे क्लिक करने के बाद ये टास्क बार में जाकर स्टोर हो जाता है और मैक्सिमाइज से फाइल का साइज को छोटा और बड़ा करने का काम आता है। तो सबसे पहला यहाँ पे ये था कि हम लोग ऑफिस बटन के बारे में जानना था कि ऑफिस बटन क्या होता है और इसके टूल्स कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक एमएस वर्ड के फाइल में हम कुछ टाइप कर लिए हैं, कुछ वर्ड्स टाइप किए हुए और ये वर्ड टाइप नहीं किया हुआ, एक्चुअली इस वर्ड को एक फॉर्मूला के जरिए लाया गया। हम जैसे इक्वल टू दिए हैं, आर ए एन डी एक कोड होता है, रैंडमली इसका नाम होता है, ब्रैकेट स्टार्ट फिर ब्रैकेट बंद फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये तीन पैराग्राफ जनरेट होगा, जो किसी भी कंप्यूटर में हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि विंडो 7 या विंडो 8 या फिर किसी भी तरह पर्टिकुलर, सारे सिस्टम में होता है। तो हम लोग बात करेंगे ऑफिस बटन के बारे में। ऑफिस बटन यानी कि इसका दूसरा नाम जो होता है फाइल होता है। ऑफिस बटन 2007 वाला वर्जन में बोला जाता है, 2010, 13 और 16 वाला वर्जन में इसका नाम चेंज करके फाइल कर दिया गया, लेकिन काम जो है सेम ही रहा है। हम लोग ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन में हमको यहां पर से देखने को मिलता है न्यू के बारे में। न्यू यानी कि हम लोग नए सा फाइल यहां पर से क्रिएट करना होता है। जैसे ये जो फाइल अभी मेरे पास क्रिएट किया हुआ है, यानी कि डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है तो आप न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर से आपसे बोला जाएगा क्या आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जो आप यहां पर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा कि आपके पास एक क्रिएट का बटन बनता है और क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक आप नया फाइल बना सकते हैं। दूसरा था कि ओपन करने के बारे में। ओपन एक्चुअली जो होता है कि जब हम कोई फाइल को पहले से इसमें सेव किए हुए उसको ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम यहां पर से ऑफिस बटन पे जाते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहां पर से देखिएगा कि कंप्यूटर के जितने भी टूल्स होते हैं, जैसे डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, तो अगर हम डेस्कटॉप पर से कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं। इसमें देखिएगा कि बहुत सारे अलग अलग फाइल है, जैसे डेस्कटॉप डाटा, राहुल कुमार, इंटरनेट क्वेश्चन, तो हम इंटरनेट क्वेश्चन वाले को यहां पर से हम ओपन करना चाहते हैं तो जैसे ही उस पर क्लिक किए वो फाइल क्या हो गया, इंटरनेट वाला फाइल हमारे पास ओपन होकर आ गया इस डॉक्यूमेंट में। दूसरा इसके बाद था कि सेव करना। जैसे कि अभी हम यहां पर से एक नया फाइल बनाया है, सपोज कि अगर हम ये मेरा नया फाइल है, जब तक ये नया रहेगा तो यहां पर से डॉक्यूमेंट में 1 लिखा हुआ रहेगा, डॉक्यूमेंट 1 रहेगा। अगर हम इसे सेव करते हैं उसका कुछ नाम देते हैं, अगर नहीं देंगे तो यही नाम रहेगा, अगर हम नाम देंगे तो उसका कुछ नाम यहां पर से टाइटल बार में शो करने लगेगा, जिसमें कि हमको सबसे पहला नंबर होता है कि किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हमको यहां पे ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव दिए गए यहां पर से सेव वाला बटन पे हमको क्लिक करना होता है। उसके बाद फिर आपसे पूछता है कि इस फाइल को कहां पे सेव करना है, तो इसके लिए भी एड्रेस दिया हुआ, जैसे डाउनलोड में करना है या डेस्कटॉप पे करना है या फिर और भी कहीं पे, तो फिलहाल हमें एक डेस्कटॉप पे करना है तो यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा होता है कि फाइल का क्या नाम देना, आप जिस जो फाइल अभी आप सेव करने जा रहे हैं उसका क्या नाम रखना चाहते हैं, तो हम यहां पर से फिलहाल अभी आप नाम के तौर पे टुडे रख के यहां पर से सेव वाले बटन पर से हमको क्लिक कर देते हैं। जब हम इस फाइल का नाम यहां पर से टुडे दिए तो ऊपर में टाइटल बार में देखिएगा कि इसका नाम यहां पर से टुडे शो कर रहा है। उसके बाद फिर अगर हम इसे यहां पर से क्लोज भी कर दें तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, फाइल बंद हो जाएगा, लेकिन उसे फिर से हम यहां पर डबल क्लिक करके ओपन आसानी से कर सकते हैं।
अब है कि एमएस वर्ड की इस फाइल में हम इतने सारे वर्ड लिखकर इसे सेव किए और हम यहाँ पर से दो लाइन और लिख देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हम ए टू जेड तक यहाँ पर से लिख के हम यहाँ पर से इंटरप्रेस कर दिए। और हम चाहते हैं कि जो पहले से एक्टिविटीज किया हुआ था, पहले से एक्टिविटीज किया हुआ था कि आप यहां से लेकर इस वर्ड से लेकर तीन पैराग्राफ इसके अंदर लिखा हुआ था, जबकि हमने एक लाइन और ऐड किया है, लेकिन जो ये लाइन ऐड किए हैं हम चाहते हैं कि ये एक लाइन जो ऐड हुआ है और जो पहले से था वो दोनों एक नया नाम नए एड्रेस में जाकर सेव हो। तो उसके लिए हमको करना होता है सेव एज पे क्लिक। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, एड्रेस सेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइल का नाम सिर्फ अलग होना चाहिए। अब जैसे यहां पे टुडे है तो टुडे टू कर देते हैं और उसके बाद फिर सेव पे हम क्लिक कर देते हैं। अब क्या होगा कि जो पहले से वर्ड लिखा हुआ था यहां से लेकर ये तीन पैराग्राफ तक और इसके बाद एबीसीडी से लेकर जेड तक जो हम लिखे हैं वो सारे चीज मिलकर टुडे टू नाम का फाइल से सेव हो गया होगा डेस्कटॉप पे। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम इसे ओपन कर लिए हैं, एक फाइल मतलब डेस्कटॉप पे आ गए हैं। हम यहां पर से देखेंगे कि टुडे नाम टुडे टू नाम का फाइल आया कि नहीं, तो यहां पर से देख रहे हैं इस पर दो बार क्लिक किए हैं और ये फाइल ओपन हो गया। और जैसा कि हम देखे हैं कि आप यहां पर से जो पहले से वर्ड लिखा हुआ था वो भी है और जो बाद में लिखे हैं वो भी है, लेकिन जो पहले से फाइल था जिसमें हम एडिट किए थे टुडे नाम का था तो उसमें सिर्फ एक ही आपका जो लास्ट में एबीसीडी एड किए हैं वो इसके अंदर नहीं है। फिर नेक्स्ट होता है कि प्रिंट करने के बारे में। प्रिंट करने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस करना होगा कि ऑफिस बटन पे जाना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास यहां पर से तीन अलग अलग तरह का मेन्यू शो करते हैं। सबसे पहला मेन्यू जो होता है वो होता है प्रिंट प्रीव्यू का। जी हाँ, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने से वो आपका पेज किस प्रकार प्रिंट होने वाला है ये सारा कुछ बताता है। दूसरा है प्रिंट के बाद इसी के जस्ट बगल में क्यूक प्रिंट है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं प्रिंटर का नाम सेलेक्ट है तो वो खुद से डायरेक्ट प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रिंट पे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर से देखिए पेज रेंज में और कॉपीज में सारे चीज में अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहला नंबर प्रिंटर का नाम, आप किस प्रिंटर पे पेज प्रिंट भेजने वाले हैं तो वो जो प्रिंटर है उसका नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कैनन है एचपी है जो भी है आप यहां पर से सेलेक्ट कर लीजिए। पेज रेंज में अगर आपका ऑल पे क्लिक है और सपोज कि इस डॉक्यूमेंट में 50 पेज है तो वो सारा पेज आपका प्रिंट हो जाएगा ओके प्रेस करने से। और अगर हम करेंट पेज पे क्लिक करते हैं और अगर हम पेज नंबर 10 पे हैं और करेंट पेज नंबर पेज पे क्लिक करके हम ओके करते हैं तो सिर्फ 10 ही नंबर पेज प्रिंट होगा, बाकी कोई पेज आपका प्रिंट नहीं होगा। फिर होता है पेजेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 50 पेज है और आपको उसमें से कुछ ही पेज प्रिंट करना, जैसे एक करना है फिर तीन करना है फिर पांच करना है फिर सात करना है या फिर 10 करना है, इस तरह से जो भी आपको पेज प्रिंट करना है उसे आप कॉमा देकर इसमें लिखते चले जाइए और उसके बाद फिर यहां पर से ओके बटन पे प्रिंट कर दीजिए। उसके बाद फिर होता है कि इतने सारे जो पेज दिए इसको कितने कॉपी प्रिंट करना है, तो यहां पर कॉपीज में नंबर ऑफ कॉपीज का भी ऑप्शन है, जैसे अगर हमको पांच कॉपी प्रिंट करना है तो यहां पर से पांच लिख देते हैं और उसके बाद फिर ओके प्रेस कर देंगे तो इससे भी आपका पेज क्या होगा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रिपेयर के बारे में। प्रिपेयर में आप किसी अपने डॉक्यूमेंट को या अपने मतलब जो एमएस वर्ड का फाइल है इसे लॉक करके इसे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि इसे जो भी पासवर्ड डाला गया है विदाउट पासवर्ड को कोई इसे ओपन ना कर सके। अगर हमें को पासवर्ड पता रहेगा तभी हम इसे ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज हम भी इसे ओपन नहीं कर पाएंगे। याद रहे कि पासवर्ड लगाने से पहले कि अगर आप पासवर्ड आप खुद भूल गए हैं तो आप खुद भी इस फाइल को ओपन नहीं कर सकते, इसे आपका एक ही उपाय होगा डिलीट करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। तो यहां पर से ऑफिस बटन पे क्लिक किए हैं, यहां पर प्रिपेयर लिखा हुआ है प्रिपेयर पे गए हैं, यहां पर देखिएगा एक इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी पासवर्ड आपको लिखना है ये पासवर्ड आप यहां पर से 123 एग्जांपल में दिए हैं, फिर इंटर प्रेस किए फिर से 123 लिखे फिर इंटर मारे। अब उसके बाद फिर क्या करना है कि इसे जो एक्टिविटीज की इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब हम इसे क्लोज करेंगे यहां पर से साइड से जाके तो जब इस फाइल को फिर से बाद में ओपन करेंगे तो हमसे पासवर्ड पूछेगा और ये पासवर्ड जब हम फिल करेंगे, जैसे पासवर्ड था 123 तो हम यहां पर से फिल करने के बाद फिर वो क्या होता है सिस्टम स्टार्ट होता है।
तो ये था आज का टॉपिक था, और इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ जिसे क्लोज है, यहाँ पे एग्जिट डॉक्यूमेंट है तो जिसपे क्लिक कीजिएगा तो वो फाइल बंद हो जाएगा। तो ये था आज का एमएस वर्ड का फाइल के बारे में, जिसको ऑफिस बटन के बारे में आपको बताएं कि ऑफिस बटन क्या होता है, कहाँ से कैसे ओपन करना है, जिसे ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, सारा काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।